हेलो एवरीवन, आज हम इंपल्स सिग्नल के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो इंपल्स सिग्नल जैसा कि सबको पता है, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी टी इक्वल्स टू जीरो पे एरिया वन होता है। एक ऐसा यूनिक सिग्नल है जिसको हम वैल्यू से नहीं, एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जगह पर इसका जो है एरिया ज़ीरो है। तो हम इसको एरिया से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू हमको क्यों नहीं पता होती है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगुलर अज्यूम किया है जिसकी लेंथ है ए और विड्थ है 1/a, इन सच ए वे दैट इसका एरिया है वो 1 है। ठीक है, लेट्स से अब मैं इस रेक्टेंगुलर की लेंथ को a बाई टू कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो a बाई टू किया, इन सच ए वे दैट इसका एरिया कांस्टेंट रहे। तो एरिया को अगर कांस्टेंट रखना है तो इसके विड्थ को डबल करना पड़ेगा अगर लेंथ को हाफ किया है। तो हमने विड्थ को डबल कर दिया, दैट इज 2/a, स्टिल इसके एरिया सेम है। इसको मैं फर्दर रिड्यूस करता हूँ लेंथ को a बाई थ्री, हमको विड्थ को कितना करना पड़ेगा 3/a। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि a टेंस टू जीरो है, a को मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूं, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिंस विड्थ इज समथिंग बाय a एंड a टेंस टू जीरो, सो विड्थ विल टेंड टू इन्फिनिटी। लेकिन स्टिल इसका एरिया कितना होगा, स्टिल इसका एरिया कितना है, एरिया इज स्टिल 1, एरिया इज स्टिल 1 बिकॉज लेंथ एंड विड्थ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एरिया इसका 1 रहेगा। तो यही होता है इंपल्स सिग्नल, यही होता है इंपल्स सिग्नल कि इसका एरिया 1 है बट इट्स वैल्यू इज नॉट नोन, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है एंड इट्स विड्थ इज, इट्स लेंथ इज ऑलमोस्ट 0, सो आइडियली वी रिप्रेजेंटेड एज 0, सो इट इज डिफाइंड ओनली एट टी इक्वल्स टू 0 एंड इट्स एरिया इज 1। सो इसको एक प्रैक्टिकल आरसी सर्किट के थ्रू देखते हैं क्या है। लेट्स एक आरसी सर्किट अज्यूम करते हैं। यहां पे मैं एक स्टेप वोल्टेज देता हूं, स्टेप। ओके, स्टेप की वैल्यू है लेट्स से Vs। ओके, सो कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ का जो वोल्टेज है Vc वो कितना होगा, Vc विल बी Vs 1 माइनस e पावर माइनस t बाई RC। ठीक है, अब करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, Ic इक्वल्स टू Vc, C dVc बाई dt। IC की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ICT will be Vs in C into Vs by RC e power minus t by RC। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। ओके, सो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, Vs by R e power minus t by RC। ओके, तो इस करंट की वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं, इस करंट की वेव फॉर्म को हम प्लॉट करते हैं। इनिशियल वैल्यू इज एट इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू इज Vs बाई आर, एट इक्वल्स टू 0 दिस टर्म गोज टू 1 एंड दिस बिकम्स Vs बाई आर। सो इसकी वैल्यू है Vs बाई आर एंड आफ्टर दैट इट डिकेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ। अब इसका एरिया अंडर द कर्व देखते हैं कितना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व देखने के लिए इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आई सी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी इक्वल्स टू वी एस बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी डी टी। ठीक है, सिंस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम जीरो, इसको हम माइनस इन्फिनिटी एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई सी टी डी टी इक्वल्स टू वी एस बाई आर जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी बाई आर सी। सिंस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो
आई सी इज जीरो, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन माइनस वन बाई आर सी। तो माइनस वन बाई आर सी को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आर सी जीरो इन्फिनिटी, ओके। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ से आर से आर आर कैंसिल हो जाएगा, उस टू माइनस वी एस इंटू सी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इट इज़ जीरो, जीरो पुट करेंगे इट इज़ वन, सो इट इज़ वी एस इंटू सी। अब नाउ ये 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 टर्म क्या है, आई सी इंटू टी, ओके। आई सी इंटू टी, आई सी इंटू टी क्या होगा, करंट थ्रू कैपेसिटर एंड इंटू टाइम, सो वट विल बी दैट, दैट विल बी चार्ज, चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, ओके। सो चार्ज इज वी एस इंटू सी, तो हमको पता है फाइनली कैपेसिटर का वोल्टेज वी एस होगा, सो चार्ज इज क्यू इक्वल्स टू सी वी, सो दैट इज द चार्ज इक्वेशन एंड दैट इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द। नाउ अब हम देखते हैं कि क्यू इक्वल्स टू वी एस इंटू सी, क्यू की वैल्यू है जो एरिया अंडर द कर्व है या फिर जो क्यू की वैल्यू है, दैट डजेंट डिपेंड ऑन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ आर। तो अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करूँ, सो क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। तो आर पे डिपेंड क्या कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है आई सी जीरो, आई सी जीरो, आई सी जीरो इज वी एस बाई आर, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो लेट्स से मैं आर को डिक्रीज करता हूँ, आर को अगर मैं डिक्रीज करूँगा तो आई सी जीरो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, आई सी जीरो विल इंक्रीज, बट क्या ये फाइनल चार्ज है जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई सी है, क्या ये चेंज होगा, नहीं, ये सिर्फ वी एस इंटू सी पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर मैं डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर से करंट का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, लेट्स से हम करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो ये होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं और भी कम कर देता हूँ, और कम करूँगा तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, बट आर सी टाइम कॉन्स्टेंट, आर को हमने रिड्यूस कर दिया, तो आर सी टाइम कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो इट विल डीके फास्टर, ये हो जाएगा। अब ये ग्रीन और येलो एरिया है दैट इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज एरिया अंडर द चार्ज, और चार्ज है वो डिपेंड आर पे नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट होगा। इसको फर्दर रिड्यूस करता हूँ आर को, तो दिस कर्व विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, दूसरा पेन लेता हूँ, सो दिस कर्व विल लुक लाइक दिस, ओके। सो ये रेड वाला एरिया है, दिस एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो, सो ऑल द एरियाज आर वी एस इंटू सी, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर। नाउ लेट्स से मैं आर की वैल्यू को जीरो कर देता हूँ, इफ आर टेंड्स टू जीरो, आई सी जीरो इज वी एस बाई आर, दैट विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, आई सी जीरो विल टेंड टू इन्फिनिटी एंड आर सी टाइम कॉन्स्टेंट विल टेंड टू जीरो। दैट मीन्स इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत ही डिस्चार्जिंग टाइम है, दैट इज ऑल्सो विल बी जीरो, डिस्चार्जिंग टाइम भी जीरो हो जाएगा, बट एरिया, एरिया अंडर दैट कर्व इज वट, इट इज स्टिल वी एस इंटू सी, इट इज कॉन्स्टेंट, एरिया इज स्टिल कॉन्स्टेंट, ओके। नाउ वेन आर टेंड्स टू जीरो, वी नो दैट एरिया ऑफ द कर्व इज, वी नो द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द कर्व, बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ द कर्व, ओके। हमको एरिया उसका पता है, बट हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू करंट की वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट हमको नहीं पता क्या होता है, ठीक है, इन्फाइनाइट की वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन हम उसका एरिया पता है, दैट व्हाट इज दैट वी एस इनटू सी, ओके। सो आई सी टी व्हेन आर टेंड्स टू जीरो, आई सी टी इज व्हाट, आई सी टी इज एन इम्पल्स सिग्नल, ओके, और इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना है, वी एस इनटू सी, सो मोर स्पेसिफिकली आई सी टी विल बी वी एस इनटू सी डेल्टा टी, ओके। सो दैट्स, अगर हम वी एस की वैल्यू को लेते हैं
और सी की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो आईसीटी विल बी यूनिट इंपल्स सिग्नल, आईसीटी विल बी यूनिट इंपल्स सिग्नल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेल्टा टी का एरिया क्यों लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ एरिया पता है, हमको एक्चुअली में वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्नल है आरसी सर्किट्स या सिग्नल सिस्टम किसी भी सब्जेक्ट में आप ले लें। ओके, सो थैंक यू।